दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि पेंशनर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो जारी किया गया है, जिसके तहत पूरी प्रोसेस ये बताई गई है कि किस तरीके से आपको अपना जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर जीवन प्रमाण है वो सबमिट कराना है। दोस्तों, हमें ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और हम भी ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने जो लैपटॉप है उससे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस का लिस्ट जो कि जीवन प्रमाण वेबसाइट की तरफ से ऑथेंटिक है उसका भी लिस्ट दिया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। तो क्या है जो ये वीडियो ऑथेंटिक वीडियो वो आप अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, तो आप ये पूरा वीडियो देखते रहिए। वो बहुत पुरानी दुकान है असल में। हम तो हमारे कमल, तेरी प्लानिंग तो कॉलेज के दिनों से कमाल की है। हाँ बिल्कुल, ये नए जमाने का नाम रीयूनियन देखे तुमने हम सबको लखनऊ में बुला लिया। अरे भाई, वो इसलिए क्योंकि हम भूतपूर्व नौजवानों ने तो जीवन को यारों के संग जीना छोड़ जो दिया है। अरे हम तो 1400 किलोमीटर दूर आपके बुलाने पर आ गए और आप ही के शहर के रमेश जी तो आए। वो कहाँ रमेश तो ऐसे ही थोड़ी, कॉलेज के दिनों में उसका नाम कछुआ चाल था। सही कहा, सही सही एकदम। लगता रमेश आ गया। हाजिर हाजिर हुजूर आला, नाम लिया और आप हाजिर। तो जनाब, इस बार लेट आने का क्या बहाना है? अरे भाई, दुआना सलाम आते शुरू हो गए यार। अरे वाह वाह वाह, एक तो देर ऊपर से सवा शेर। अच्छा बताओ, कहाँ टाइम बर्बाद करके आ रहे हो तुम? हैं लाइफ सर्टिफिकेट देने बैंक गया था ताकि पेंशन लगातार चलती रहे, लेकिन वहां तो बहुत लाइन थी, मैं तो बिना काम के ही वापिस आ गया। ये देखो इन्हें, यहां मैं बैठे बैठे लाइफ सर्टिफिकेट दे देता हूं और ये जनाब अभी भी लाइनों में लग के अपनी लाइफ लाइन खत्म कर रहे हैं। अरे आप सब भी, रमेश जी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक में जाने की एकदम जरूरत नहीं है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ही बन जाता है। डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत लाखों पेंशनधारी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा चुके हैं। तो बस कुछ कछुआ चाल लोग ही पीछे रह गए हैं। तो खरगोश भाइयों, अभी इस वक्त मेरा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करके दिखाओ। अरे भाई, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के 3 आसान चरण बहुत ही ध्यानपूर्ण फॉलो करने होते हैं। जिसके लिए ये जरूरी है कि पेंशन बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक हो, पर ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल का नंबर आधार से लिंक हो। यस इंदु, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो तो बेटे ने कर दिया था। वेरी गुड रमेश, अब इसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ चेन्नई में बेटी की सोसाइटी में ये टैबलेट खरीदा हुआ है, सोसाइटी के सारे पेंशनर इसी में अपना DLC करवा लेते हैं। अरे लाओ यार, हम तुम्हारे स्मार्टफोन से करके दिखा देते हैं। लाओ दिखाओ। ये लो, ठीक है, ये देखो। सबसे पहले क्या है, इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर jeevanpraman.gov.in टाइप करना है। उसके बाद ये देखो, जीवन प्रमाण की वेबसाइट खुल गई। अब इसके बाद ये डाउनलोड वाले को दबाओ, यहाँ पे ईमेल ID टाइप करो और ये आई एग्री वाला लिखा हुआ जो, इसको क्लिक करो। अब देखो, ये आपके आगे जीवन प्रमाण ऐप। अब ऐप को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसके बाद RD सर्विस डाउनलोड करनी है जिससे वो बायोमेट्रिक कनेक्ट होती है। फिंगरप्रिंट के लिए ऑथेंटिक बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होती है जो मोबाइल में OTG केबल से कनेक्ट होती है। ये कहाँ से मिलती है? ये किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे मिल जाती है, लेकिन इसको खरीदने से पहले जीवन प्रमाण की साइट पे जाके लिस्ट में दी हुई ऑथेंटिक बायोमेट्रिक डिवाइस ही खरीदें। इसके बाद शुरू होती है जी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो लाइफ में एक बार करनी होती है बस, जिसको आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त भी कर सकता है। इसमें ऑपरेटर को अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID टाइप करना होता है।
वो फोन नंबर जो है आधार से लिंक नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे ओटीपी आएगा। अच्छा, हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद यूजर नेम की स्क्रीन आएगी जिसमें ऑपरेटर को अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद ऑपरेटर को अपना अंगूठा या आयरिस स्कैन करना पड़ेगा। प्रक्रिया खत्म हो गई आपकी डीएलसी की। आगे की कहानी अब सुनिया जी कमल जी की जुबानी। और अब होती है कहानी में हीरो की एंट्री, यानी कि तुम्हारी। अब तुम्हें यानी कि पेंशनर को अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करना होता है। चाहो तो ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो जिससे ओटीपी फोन और ईमेल आईडी दोनों पर आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद एक फॉर्म आएगा जिसमें आप बैंक का नाम, पेंशन अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर इत्यादि टाइप कर सकते हैं। और अगर तुम ये डीएलसी पहले जमा करवा चुके हो तो ये फॉर्म तुम्हें भरा हुआ दिखाई देगा। सिंपल, ये देखो ये भरा हुआ ऐसा दिखाई देता है। अब बटन पर क्लिक करते ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। अब तुम इस पर अपना अंगूठा लगाओ। इतने ताम झाम के बाद ना अंगूठा स्कैन हो रहा है ना उंगली। रहने दो, मैं तो बैंक से करा लूंगा। अरे रमेश बाबू, कभी कभी हाथों में नमी ना होने का कारण भी ऐसा होता है। हाँ। ये लो क्रीम लगाओ, आप ट्राई करो, देखो हो गया ना। ये, हो गया। सिंपल। और हाँ, इस टैबलेट में आंखों को स्कैन करके भी सर्टिफिकेट बन जाता है। तुम तो जानते ही हो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, फिर भी आयरिस स्कैन हो गई। अरे वाह, लो आ गया जीवन प्रमाण की तरफ से मैसेज। दो, खुद ही पढ़ लो। आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। अरे वाह, ये तो हो गया। अरे अभी नहीं, अभी नहीं। अब बैंक हमारे द्वारा भरी गई इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम से मैच करेगा और बैंक से एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। ओ अच्छा, चलो इसी खुशी में पहले समोसे खाओ। समोसे क्या वक्त पे आए समोसे। नजरे इनायत कीजिए, हम मर गए तुम पर। नजरे इनायत कीजिए, हम मर गए तुम पर। दिल में घर कर लीजिए, हम मर गए तुम पर। ये तीन दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और अब जाने का समय भी हो गया। अरे अरे देखो देखो, क्या बैंक से मैसेज आ गया। अरे तो फिर पढ़ के बता क्या लिखा है। अरे हाँ भाई, पढ़ के सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ। आपका जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है और आपकी पेंशन आगे भी जारी रहेगी। भाई कमाल है, आप लोग तो बड़े एडवांस हो गए। और अब तो तुम भी हो गए हो। जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कमाल हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू।